Welcome to Ahmadi Academy my name is Farooq Azam today is the second lecture of acid base and salt in previous lecture we learned the basic concept like what is acid base salt arrhenius theory of acid base and classification of acid and base if you are a newcomer please watch my first video so that you will understand the next part let's start our lecture today's first topic is ionic compound and formation of sodium chloride molecules okay what is ionic compound ionic compounds are those compounds in which one atom is cation and others are anions it means one atom is positive and others are negative atoms those molecules in which both atoms हैविंग डिफरेंट चार्ज आर नोन एज आयोनिक कम्पाउंड तो बच्चों आयोनिक कम्पाउंड किसे कहते हैं अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है या कोई कम्पाउंड है जिसमें दो एटम्स हैं दो आइटम्स हैं और दोनों के पास चार्ज अलग है नहीं एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव जो तो हम क्या कहेंगे उसे कहते हैं आयोनिक कम्पाउंड फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड कंटेंट सोडियम प्लस आय एंड क्लोरिन माइनस आय देर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम तो बच्चों जो भी हमारे पास आयोनिक कंपाउंड होते हैं उसमें एक आइटम जो होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है एक के पास नेगेटिव चार्ज होता है और दोनों एक दूसरे से जॉइन होते हैं मिले होते हैं किसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट्रैक्शन उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो टाइप्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड अगर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड एसिड बेस एंड सॉल्ट तो बच्चों जो हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट है ये क्या है ये हमारे पास ये आयोनिक कंपाउंड ओके नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एन आइटम ऑफ सोडियम हैज़ वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट सिमिलरली क्लोरिन आइटम्स हैव सेवन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट वेन दिज आइटम कम क्लोजर वेन दिज आइटम कम क्लोज टुगेदर सोडियम आइटम डोनेट्स इज इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरिन आइटम एक्सेप्टड तो बच्चों अभी तक हमने यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड तो सोडियम क्लोराइड में आपके पास दो एलिमेंट्स होते हैं दो एटम्स होते हैं एक होता है आपका सोडियम एक होता है क्लोरीन तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है एटॉमिक एटॉमिक नंबर होता है उसका एलेवन और इसी तरह क्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर सेवनटीन तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वन इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट में सेवन इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये किस तरह होते हैं बच्चों जैसे अगर एटॉमिक नंबर जो सोडियम को देखो इलेवन है अगर इसको आप फिल करोगे तो कुछ इस तरह फिल होगा टू एट वन यानी थर्ड शेल में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसी तरह जो आपका क्लोरीन होगा उसमें कितना आएगा टू एट सेवन तो यहाँ पे इसका सेवनटीन है तो टू एट सेवन ये जो वन है और ये जो सेवन है ये उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट में ये सोडियम के ए वन है और क्लोरीन के सेवन है तो जब ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे से करीब आते हैं तो सोडियम का जो ये इलेक्ट्रॉन है ये किसको देता है क्लोरीन को दे देता है क्लोरीन क्या करता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है इस तरह बच्चों इन लोग के बीच में क्या बनती है एक बॉन्ड बनती है किसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से देखो तो यहाँ पे आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है ड्यू टू तो दिस द सोडियम एंड क्लोरीन बिकम सोडियम प्लस एंड क्लोरीन माइनस एन जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता दे है तो सोडियम के ऊपर क्या आता है प्लस चार्ज आ जाता है और जो क्लोरीन एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है इसलिए उसको हम लोग क्लोरीन माइनस एन कहते हैं रेस्पेक्टली दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड बिटवीन द टू आइंस ड्यू टू इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गिव्स राइज टू आयोनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड जिसकी वजह से हमारा कौन सा कंपाउंड बना सोडियम क्लोराइड बना सोडियम ने क्या किया एक अपना चार्ज क्लोरीन को दे दिया क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले एक्सेप्ट करके क्लोरीन पर के ऊपर क्या आएगा निगेटिव चार्ज आ जाएगा और सोडियम पर के ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा देखो किस इस, इस तरह कहानी होगी यहाँ पर सोडियम यहाँ पे टू कॉमा एट कामा वन यानी आउटर मोस्ट में वन इलेक्ट्रॉन था उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया टू कॉमा एट यहाँ पे बन गया ये किसका सोडियम देखो यहाँ पे प्लस चार्ज भी आएगा सेकंड आपका है क्लोरीन क्लोरीन यहाँ पे सेवेंटीन था उसने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लिया कौन सा इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया क्लोरीन के पास अब यहाँ पे देखो क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा टू कामा एट एट अब यहाँ पे उसके पास एटीन इलेक्ट्रॉन हो गए मतलब आउटर मोस्ट में एट इलेक्ट्रॉन हो गए तो कुछ इस तरह सोडियम प्लस और प्लस क्लोरीन माइनस मिलके आपको क्या बना सोडियम क्लोराइड ये आपका एक आयोनिक कंपाउंड है तो ये देखो इसके यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड के जो पूरी तरह से स्ट्रक्चर बनता है नहीं शेल वाइज तो देखो ये जो सोडियम क्लोराइड ये जो है ये यह आपका यहाँ पे है अभी मैं आगे आपको फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्सप्लेन करता हूँ लेकिन ये जो आपको लास्ट स्ट्रक्चर है ये देखो किस तरह है ये सोडियम है, सोडियम है इसके ऊपर इसके पास टेन इलेक्ट्रॉन है टू फर्स्ट सेल में है और सेकेंड सेल में एट इलेक्ट्रॉन इसी तरह जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है फर्स्ट सेल में टू इलेक्ट्रॉन है सेकेंड में एट है और थर्ड में भी एट है तो इस तरह ये जो आयोनिक कंपाउंड है किसका है सोडियम क्लोराइड का ठीक है तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ किस तरह जो सेल वाइज फॉर्मेशन होता है हम लोग वो देखने वाले हैं अब देखो बच्चों यहाँ पे सोडियम आपका है ठीक है ये सोडियम मॉलिक्यूल उसके पास टू कॉमा एट कामा यानी इलेवन इसके पास इलेक्ट्रॉन उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया अब यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया नहीं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसका लॉस हो गया यहाँ पे देखो सोडियम प्लस चार्ज दिखा रहा है टू कमा एटीन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो चुका है यहाँ पे उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया अब यहाँ पे आपका है क्लोरीन मॉलिक्यूल ये वाला एक्जाम्पल देखो क्लोरीन का एटोमिक नंबर सेवेंटीन होता है तो फर्स्ट सेल में टू इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में एट इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में सेवन इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी है अब ये क्या किया उसने ये जो इलेक्ट्रॉन ये वाला था उसने यहाँ से एक्सेप्ट किया यहाँ पे देखो प्लस लिखा हुआ मतलब यहाँ पे उसने एक्सेप्ट किया माइनस मतलब उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया लॉस किया तो यहाँ पे दिखा एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे क्लोरीन माइनस दिखा रहा है टू कामा एट कामॉन अब देखो यहाँ पे उसका पूरा जो सेल है फर्स्ट सेल में टू इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में पूरा एट इलेक्ट्रॉन इस तरह थर्ड सेल में पूरे एट इलेक्ट्रॉन यानी कंप्लीटली फिल हो गए अब ये देखो कुछ इस तरह कंडीशन हुई किस तरह कंडीशन हुई बच्चों ये आपका सोडियम प्लस चार्ज में है मतलब सोडियम है उसके पास एलेवन इलेक्ट्रॉन है और ये क्लोरीन सेवन इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है थर्ड सेल वाला ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है यहाँ पर अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आके फिल होगा तो ये कंडीशन कुछ इस तरह बनेगी सोडियम आपका जो फर्स्ट फर्स्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन है और सेकंड सेल में टेन इलेक्ट्रॉन है अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल वाला था किस में आ गया आपके क्लोरिन मॉलिक्यूल में क्लोरीन में देखो यहाँ पे टू 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 सिक्स फोर टेन टेन फोर्टीन और फोर एट्टीन टोटल एट्टीन इलेक्ट्रॉन हो गए तो इस तरह बच्चों हमारे आयोनिक कंपाउंड बनते हैं इनके बीच में जो बॉन्ड होती है वो किसकी वजह से होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह मतलब दोनों के चार्ज अलग होने की वजह से दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं ओके तो यहाँ पर हमारा ये फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कंप्लीट हो गया मैंने बच्चों आपको ये फर्स्ट लेक्चर में मुझे एक्सप्लेन करना था मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में नहीं पढ़ाया था तो इसलिए मैं सेकेंड लेक्चर में सबसे पहले ये स्टार्ट किया ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग ओके okay, बच्चों तो पेज नंबर सिक्सटी वन पर ही जैसे ही आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस कंप्लीट होती है तो उसके बाद नीचे आप देखोगे एक टेबल में आपको दिया हुआ है बेसिसिटी एंड एसिडिटी ठीक है तो ये उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी की है जो आपको सॉल्व करना है तो मैं मैंने यहाँ पर उस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है और वो क्या है आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ सबसे पहले आपको उसमें है फर्स्ट है बेसिसिटी ऑफ एसिड नहीं एसिड की बेसिसिटी क्या होती है किसे कहते हैं हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं द नंबर ऑफ एच प्लस आयन ऑप्टेनेबल बाई द डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड इड्स बेसिसिटी नहीं जब हम लोग एसिड को डिजोल्व करते थे वाटर मॉलिक्यूल में जो आपको एच प्लस आयन मिलता था बच्चों वो क्या आता था वो एसिड की बेसिसिटी होती नहीं जितना भी आपके पास उसमें से एच प्लस बेसिक रेडिकल आते थे वो एसिड की क्या होती थी वो एसिड की बेसिसिटी होती थी जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ एस सी मॉलिक्यूल अगर हम लोग इसको वाटर मॉलिक्यूल में डिजॉल्व करते तो इसमें से कितना हाइड्रोजन निकलता बच्चों क्योंकि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है और ये आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी है तो ये कंप्लीटली पूरी तरह से डिसोसिएट होता है तो इसमें जितना भी हाइड्रोजन पूरी तरह डिसोसिएट हो जाएगा तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इस एसिड की बेसिसिटी कितनी है तो इस एसिड की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी वन हो जाएगी क्यों क्योंकि इसके पास सिर्फ वन हाइड्रोजन यानी एक ही हाइड्रोजन है सेम एग्जाम्पल दो सेकंड वाला एच नाइट्रिक एसिड यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं अगर इसको डिसोसिएट करते हैं तो इसमें भी सिर्फ एक ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगी बेसिसिटी ऑफ एसिड ओनली वन मिलेगी ए वन एच प्लस सेम एच टू एस ओ फोर में देखो यहाँ पे क्या है ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और अगर इसको हम लोग डिसोसिएट करते हैं तो सबसे पहले किसमें डिसोसिएट होगा एच एस ओ फोर माइनस प्लस एच प्लस तो फिर वापस से अगर हम लोग इसको डिसोसिएशन करते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिलता है दो टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन यानी दो हाइड्रोजन आपको मिलेगा क्योंकि ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड तो ये पूरी तरह कंप्लीट क्या होगा डिसोसिएट होता है थर्ड आपका है एसिडिक एसिड सी एच थ्री सी ओ ओ एच जो बच्चों इसको हम लोग डिसोसिएट करते हैं तो कुछ, किस तरह डिसोसिएट होता है ये सबसे पहले आपको कुछ इस तरह डिसोसिएशन इसमें शो करता है ये आपका एसिडिक एसिड है सी एच थ्री सी ओ ओ एच तो जैसे हम लोग इसको डिसोसिएट करते हैं तो इस तरह कुछ डिसोसिएट होता है सी एस माइनस प्लस एच प्लस तो बच्चों यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये डिसोसिएट नहीं होगा ये कम्पलीटली डिसोसिएट नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि ये जो आपका एसिड है ये वीक एसिड है ये क्या है आपका ये वीक एसिड है तो यहाँ से ये पूरी तरह से कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता यानी जो आपका एसिडिक रेडिकल होते हैं उसके अंदर बहुत सारे अनडिसोसिएट पार्टिकल भी होते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग इसकी बेसिसिटी निकालें तो यहाँ पर भी आपकी बेसिसिटी वन आएगी फोर नहीं आएगी बहुत सारे बच्चों ने बोला सर यहाँ पर इसकी बेसिसिटी क्या आएगी फोर आएगी तो यहाँ पर इसकी बेसिसिटी फोर नहीं आएगी क्या आएगी ओनली वन आएगी ठीक है नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं एसिडिटी ऑफ बेस जैसे बच्चों अभी हम लोग ने बेसिसिटी ऑफ एसिड निकाले तो इसी तरह हम लोग बेस कंपाउंड की हम लोग क्या निकाल सकते हैं एसिडिटी निकाल निकाल सकते हैं तो एसिडिटी क्या हो जाएगी जिस तरह हम लोग एसिड में हम लोग ने H प्लस आयन निकाला तो वो बेस हो गया था बेसिसिटी होगी थी इसी तरह अगर हम लोग बेसिक कंपाउंड में OH एच माइनस आइन यानी एसिडिक रेडिकल निकालेंगे तो उसकी क्या हो जाएगी बेस की वो एसिडिटी हो जाएगी ठीक है तो डेफिनेशन सबसे पहले देखो द नंबर ऑफ ओ एच माइनस आयन ऑप्टेनेबल बाई द डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए बेस इज कॉल्ड इट्स एसिडिटी यानी आपने एक बेस कंपाउंड लिया उसको आप वाटर मॉलिक्यूल में डिजोल्व कर रहे हैं उसमें से जितना भी ओ एच माइनस आयन आपको निकलेगा एज आ एसिडिक रेडिकल वही आपकी क्या होगी उस बेस की एसिडिटी होगी ठीक है अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप वाटर मॉलिक्यूल में डिजोल्व करोगे तो किस तरह ये यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा इस तरह ब्रेक होगा और आपको क्या मिलेगा सोडियम प्लस और ओ एच माइनस आइन तो यहाँ पे ओ एच माइनस आइन कितना है वो एक ही है तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा कम इस कंपाउंड की यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी एसिडिटी क्या हो जाएगी वन हो जाएगी नेक्स्ट एग्जाम्पल सी एस टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर इसको हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो इस तरह यहाँ से डिसोसिएट होगा अब देखो यहाँ पर टू मॉलिक्यूल ऑफ ओ एच है यहाँ पे आपके पास कितना टू एच है ओ OH एच कितना है दो मोलिक्यूल तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो आपको क्या देगा टू ए टू ओ एच माइनस देगा नहीं इसकी जो एसिडिटी है इस बेसिक कंपाउंड की कितनी है टू है इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसको ब्रेक करेंगे तो इस तरह यहाँ से वो यह ब्रेक होगा ओ एच माइनस पे माइनस आएगा एम जी पे प्लस चार्ज आएगा तो यहाँ पर ओ एच कितना है एक ही है तो ये आपको क्या जाएगा वन ओ एच इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में आप लोग इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से ये ब्रेक होगा ियम के ऊपर प्लस चार्ज और ओ OH के माइनस ओ OH के ऊपर माइनस चार्ज आएगा तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ओ OH है तो ये हमारी क्या हो जाएगी एसिडिटी ऑफ बेस यानी इस बेसिक कंपाउंड की एसिडिटी कितनी हो जाएगी ओनली वन हो जाएगी ठीक है तो आई थिंक बच्चों आपको एसिडिटी ऑफ बेस और बेसिसिटी ऑफ एसिड आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कॉन्सनट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस ओके बच्चों तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉन्सनट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस ठीक है यानी अभी जो आपने एसिड और बेस जो पढ़ रहे थे अब उसके हम लोग कॉन्सनट्रेशन के बारे में बात करें नहीं आपका जो सोल्यूशन जो है जो भी आपने एसिड और बेस लिया वो किस तरह है डाइल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में है अब हम लोग उसके बारे में देखने वाले दी प्रोपोर्शन ऑफ ए सोल्यूट इन अ सोल्यूसन इज़ कॉल्ड द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ़ सोल्यूट इन द सोल्यूशन तो बच्चों अगर हम लोग जो सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ सोल्यूट होते हैं वही आपके सोल्यूशन के बारे में बताते हैं कि सोल्यूशन आपका कॉन्सन्ट्रेशन है या डायल्यूट है तो सबसे पहले सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है और सोल्यूशन क्या होता है सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं तो बच्चों सोल्यूट किसे कहते हैं द माइनर पार्ट द माइनर पार्ट ऑफ ए सोल्यूशन इज नोन एज सोल्यूट नहीं जी अब आप लोग कोई भी सोल्यूशन बनाते हैं उसमें जो सबसे कम चीज़ यूज होती है उसे हम क्या कहते हैं सोल्यूट कहते हैं और द बिगर पार्ट यूज़ इन अ सोल्यूशन इज़ नोन एज सॉलवेंट और जो आपका मैक्सिमम जिसकी क्वांटिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट कहते हैं और उस दोनों से मिलके जो बनता है वो हमारा क्या बनता है वो हमारा बनता है सॉल्यूशन ठीक है तो ये सॉल्यूट और सॉल्व sol, सॉल्वेंट क्या है बच्चों आपको समझ में आएगा नहीं सॉल्यूट क्या होता है जो सबसे माइनर होता है नहीं सोल्यूसन आपका जो फॉर्म हुआ उसमें जो सबसे माइनर क्वान्टिटी होगी उसे हम सोल्यूट कहेंगे और इसी तरह जो उसमें जो सॉलवेंट किसे कहेंगे जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसे हम क्या कहते हैं सॉल्वेंट कहते हैं और जो उससे जो मिल के नया आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसे हम कहेंगे क्या कहते हैं उसे उसे कहते हैं सॉल्यूशन ठीक है तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं बच्चों जैसे आप लोग घर में शरबत बनाते हो तो उसमें हम लोग क्या लेते हैं नमक सोडियम क्लोराइड शुगर और वाटर मॉलिक्यूल तो यहाँ पर आपका जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो आपका क्या हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल आपका सोलवेंट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आपका सॉल्वेंट होगा क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और सोडियम क्लोराइड और जो आपका शुगर होता है इसकी क्वांटिटी कम होती है तो यहाँ पे ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे दोनों सोल्यूट हो जाएंगे ठीक है और ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा फिर बाद में जो आपका इन दोनों से मिलकर आपका जो शरबत बनेगा जो बनता है वो हमारा क्या होगा वो हमारा एक सोल्यूशन होता है ठीक है वो क्या हो जाता है सोल्यूसन हो जाता है अब ये सोल्यूसन आपका कॉन्सनट्रेशन है डायल्यूट है ये किससे मालूम पड़ता है ये हमारे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल नहीं कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इसके अंदर डिजॉल्व हुए उससे हमको मालूम पड़ता है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूट इन इट सोल्यूशन इज हाई इट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ जब आपका सोल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट से ज़्यादा होगा या सॉल्वेंट के बराबर होगा तब हम लोग उस सोल्यूशन उससे जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे कॉन्सनट्रेशन सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे आपके पास सॉल्यूट जो है एग्जाम्पल ये मैं आपको ये देता हूँ आपने हंड्रेड ग्राम क्या लिया हंड्रेड ग्राम एक सोल्यूट लिए ठीक है आपने क्या लिया हंड्रेड ग्राम एक सोल्यूट लिए उसको आपने नाइनटी एम वाटर में ऐड कर दिए कितने 90 ml water molecule में नाइनटी एम वाटर मॉलिक्यूल में ऐड कर दिए इससे जो बच्चों आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा हमारा कॉन्सन्ट्रेसन सॉल्यूशन होगा क्यों क्योंकि यहाँ पे देखो आपके पास जो सॉल्यूट है सॉल्वेंट के मुकाबले ज़्यादा है सॉल्यूट आपका क्या है सॉल्वेंट के मुकाबले ज़्यादा है इसलिए जो आपका सोल्यूशन बनेगा वो कौन सा रहेगा कॉन्सन्ट्रेशन सोल्यूशन रहेगा मतलब यहाँ पर आपकी सोल्यूट की क्वान्टिटी क्या है ज़्यादा है किसके मुकाबले आपके सोलवेंट के मुकाबले ठीक है सोलवेंट के मुकाबले आपकी सोल्यूट की क्वानिटी ज़्यादा है ठीक है तो नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन अब जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा कॉन्सन्ट्रेशन सॉल्यूशन के जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि व्हाट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं व्हेन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए सोल्यूट इन इट्स सोल्यूशन इज लो इट इज़ नोन एज डाइल्यूट सोल्यूशन तो बच्चों जैसे हम लोग ने कॉन्सन्ट्रेशन सोल्यूशन देखा था उसे जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा अब क्या होगा आपने जो सोल्यूट लिया आपने जो सोल्यूट लिया यहाँ पे हंड्रेड था अब मैंने यहाँ पे सोल्यूट क्या ले लिया टेन ग्राम ले लिया टेन ग्राम सोल्यूट ठीक है प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा नाइन्टी एम आपका वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा नाइन्टी एम वाटर मॉलिक्यूल गिव्स राइज टू आपको क्या देंगे आप डायलोट सोल्यूशन देंगे अब यहाँ पे सोलवेंट आपका क्या बच्चों ज़्यादा है यहाँ पे सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से आपका जो सॉल्यूशन बना वो आपका क्या होगा डाइल्यूट होगा अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो सॉल्यूट है वो क्या क्या हो सकता है तो बच्चों सॉल्यूट आपका क्या रहेगा सॉल्यूट आपका कुछ भी हो सकता है सॉलिड फॉर्म में हो सकता है लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर हमारा जो आ, सोल्यूट होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और आपका जो सॉल्वेंट होता है वो जनरली आपके लिक्विड फॉर्म में होता है जैसे हम लोग वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं या फिर ईथर हो गया और भी डिफरेंट डिफरेंट हम लोग मॉलिक्यूल लेते हैं ठीक है थीके? तो आपको यहाँ पर समझ में आया कि डायलूट सोल्यूशन किसे कहेंगे जब कि आपकी सोल्यूट पार्टिकल की क्वांटिटी सॉल्वेंट पार्टिकल के मुकाबले कम होगी और उससे जो भी आपका सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसे हम क्या कहेंगे उसे कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे ओके okay? ओके okay, बच्चों नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास जो ये सॉल्यूशन है जैसे कॉन्सनट्रेशन सोल्यूशन है और डायलूट सोल्यूशन है तो उसको हम लोग किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं ना किस तरह उसको बता सकते हैं उसकी क्वांटिटी को हम लोग किस तरह बता सकते हैं तो यहाँ पे दो हमारे पास टाइप है एक है ग्राम पर लीटर और एक है मोलैरिटी एक है ग्राम पर लीटर और एक है मोलैरिटी तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज ग्राम पर लीटर मास ऑफ ए सोल्यूट इन ग्राम डिजोल्व इन वन लीटर ऑफ द सोल्यूशन इज़ कॉल्ड ग्राम पर लीटर यानी अगर आपके पास आपके पास जो सोल्यूट है वो सॉलिड फॉर्म में है अभी आपका जो सोल्यूट है कौन से फॉर्म में है सोल्यूट आपका सॉलिड फॉर्म में है और आपका सॉल्वेंट जो है लिक्विड फॉर्म में तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे ग्राम पर लीटर यानी एक लीटर में कितनी ग्राम आपका सोल्यूट डिजॉल्व हुआ तो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे ग्राम पर लीटर फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था एक, मैंने आपको एक बताया था बच्चों की हम लोग घर में शरबत बनाते हैं ठीक है आपने जो शक्कर लिया और जो नमक लिया उसका ग्राम कितना था फॉर एग्ज़ाम्पल ट्वेंटी ग्राम आपने शक्कर लिया शुगर ट्वेंटी ग्राम और प्लस फाइव ग्राम आपने क्या लिया सोडियम क्लोराइड लिया ठीक है और आपने किस में ऐड किया हंड्रेड एम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपने वाटर मॉलिक्यूल में डिजॉल्व करके आपने क्या बनाया एक सोल्यूसन बनाया जो आप जिसे हम लोग शरबत कहते हैं अब यहाँ पर देखो बच्चों आपका जो सोल्यूट था शुगर और सोडियम क्लोराइड दोनों क्या है जो आपका सोल्यूट है दोनों सॉलिड फॉर्म में है और ये आपने जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या है लिक्विड है तो इससे जो आपका सॉल्यूशन बना वो आपका क्या रहेगा बच्चों उसको अगर हम लोग एक्सप्रेस करेंगे नहीं उसके यूनिट लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ग्राम पर लीटर नहीं यहाँ पे आपने हंड्रेड एम लिया तो ये आपका क्या यानी एक लीटर में हम लोग कितना सोल्यूट को डिजोल्व किया ठीक है समझ में आया नेक्स्ट हमारा है सेकेंड है मोलैरिटी अब सेकेंड क्या बच्चों मोलैरिटी मोलैरिटी किसे कहेंगे किसे कहेंगे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं द नंबर ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन वन लीटर ऑफ द सोल्यूशन इज़ कॉल्ड मोलैरिटी अब यहाँ पे बच्चों क्या है नंबर ऑफ सोल्यूटी कितने पार्टिकल डिजोल्व हुए ठीक है ठीके? कितने पार्टिकल नहीं है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट ठीक है अब उसके मोल्स की भी हम लोग बात कर सकते हैं नहीं कितने पार्टिकल जब पार्टिकल की बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पे यानी हम लोग किसकी बात करें हैं? ऐसे सोल sol, ऐसा सोल्यूट जो लिक्विड है और जो आपका सोल्य क्या है वो भी लिक्विड है तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या यूज़ करते हैं मोलैरिटी यूज़ करते हैं तो आगे हम लोग बढ़ते हैं ओके okay बच्चों तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द पी एच ऑफ सोल्यूशन पी एच ऑफ़ सोल्यूशन क्या है बच्चों पी एच मीनस क्या होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी है आप जो सोल्यूशन आपने बनाया उसमें हाइड्रोजन की पावर क्या है हाइड्रोजन की अगर आपका एसिडिक कंपाउंड है तो पावर ऑफ एच प्लस आएन यानी हाइड्रोजन की ताकत क्या है उसकी वैल्यू क्या है और अगर आपका बेसिक कंपाउंड तो पावर ऑफ ओ एच माइनस आइन तो उसको हम लोग पी ओ एच बी बोलते हैं सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं पी एच इज़ आ नंबर पीएच इज आ नंबर विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सोल्यूशन नहीं जो हमारा पी एच होता है बच्चों उससे हमको हमारे जो सोल्यूशन होते हैं उसका नेचर नहीं वो एसिडिक कंपाउंड है या बेसिक कंपाउंड वो भी हमको मालूम पड़ता है ठीक है इट हेल्प्स इन मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन इन अ सोल्यूशन तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि पी एच का मतलब क्या होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी हम लोग इससे ये पता लगाते हैं कि हमारे पास जो भी सोल्यूशन है उसके पास कितना नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट है ठीक है या उसके पास कितना उसका कॉन्सन्ट्रेशन है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का नेक्स्ट है बच्चों पी स्केल पी स्केल किसे कहते हैं हम लोग उसको देखते हैं ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पी फ्रॉम जीरो वेरी एसिडिक सोल्यूशन टू फोर्टीन वेरी बेसिक नेचर ठीक है scale, जो बच्चों आपके पास पीएच स्केल होती है आप लोग देखे होंगे उसमें जीरो से फोर्टीन उस नंबर होता है जीरो टू तो फोरटीन तो जीरो से सेवन जो होता है वो हमारा क्या होता है जीरो से सेवन होता है एसिडिक कैरेक्टर नहीं अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है आपने उसका पीएच निकाला और उसकी वैल्यू आई जीरो से सेवन के बीच में तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं एसिडिक सोल्यूशन और अगर सेवन से ऊपर आई सेवन से फोर्टीन आए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे वेरी बेसिक नेचर ठीक है तो जीरो टू फोर्टीन होती है पीएच इज़ आई नंबर विच इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सोल्यूशन तो पीएच स्केल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए तो दो बच्चों सबसे पहले पी पीएच स्केल किस तरह होती है तो कुछ इस तरह आपकी पीएच स्केल होती है यहाँ पे उस नंबर जीरो टू फोर्टीन नंबर होते हैं तो जीरो टू सेवन यानी यहाँ से जो स्टार्टिंग है जीरो टू सेवन इसके बीच में अगर आपका जो भी कोई भी कॉन्सन्ट्रेशन आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे यानी उस सोल्यूशन का कॉन्सन्ट्रेशन है उसे हम लोग बोलेंगे एसिडिक सोल्यूशन यानी आपका वो जो सोल्यूशन है एसिडिक है अगर एग्जैक्ट सेवन आया एग्जैक्ट सेवन है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे न्यूट्रल कंपाउंड है या न्यूट्रल सॉल्यूशन है और अगर सेवन से लेके फोर्टीन के बीच में आ रहा है तो ऐसे सॉल्यूशन को और ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं बेसिक कंपाउंड कहते हैं तो बच्चों आप लोग ध्यान देना जो स्केल है आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की आपको शो करा मतलब तो उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं जैसे जो इसका स्टार्टिंग कलर होता है बच्चों उसका स्टार्टिंग कलर होता है रेड ठीक है यानी ये रेड से स्टार्ट होते हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये रेड से स्टार्ट होता है रेड से स्टार्ट हो ब्लू पे जाके कंप्लीट होता है किस पर कंप्लीट होता है ब्लू पे मतलब एसिडिक जो आपके कंपाउंड होते हैं उसके कलर्स मोस्टली कौन से कलर में होते हैं रेड कलर में होते हैं रेड से फिर लाइट लाइट होते होते फिर वो ब्लू पे जाते हैं ठीक है तो बच्चों आपको पी स्केल के बारे में भी समझ में आ गया पी स्केल क्या होती है ठीक है अब थोड़ा हम लोग बात देते थोड़ी सी और बातें इसमें देख लेते हैं क्या है जैसे इसके बारे में बोला जाता है कि वेन पी वैल्यू इज़ इन बिटवीन जीरो टू सेवन जब उसकी वैल्यू जीरो से सेवन के बीच में होगी तो द सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर तो आपका जो सोल्यूशन होगा उसका नेचर क्या हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा इसी तरह एंड वेन द वैल्यू एंड वेन पी एच वैल्यू इज़ इन बिटवीन सेवन टू फोर्टीन द सोल्यूशन इज़ अल्कलाइन उससे हम लोग अल्कलाइन भी बोलते हैं या फिर बेसिक इन नेचर भी बोल सकते हैं तो न्यूट्रल सेवन न्यूट्रल न्यूट्रल सोल्यूशन है द पी एच इक्वल्स टू सेवन यानी अगर आपका कोई कंपाउंड न्यूट्रल है तो उसका सोल्यूशन उसके पास पी एच कितना होगा सेवन होगा ठीक है तो यहाँ पे एक और एक कुछ आपको बातें बताई गई छोटी सी बातें हम लोग देखते हैं तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बहुत सारे आपको एग्ज़ाम्पल आते हैं जिसके बारे में उसका पीएच पूछा जाता है जैसे अभी कोई आपसे पूछे प्योर वाटर का पीएच कितना होता है तो जो प्योर वाटर हम लोग जो पीते हैं उसका पीएच कितना होता है बच्चों उसका पीएच सेवन होता है इसी तरह बहुत सारे एग्ज़ाम्पल कि आपकी बॉडी में जो ब्लड पाए जाते हैं उसका नेचर क्या होता है एसिड होता है बेस होता है तो बच्चों जो आपकी बॉडी में ब्लड पाया जाता है उसका भी नेचर क्या होता है एसिडिक ही होता है ठीक है बहुत सारी चीज़ें हैं और प्योर वाटर हैज़ अब यहाँ पे उसके पास देखो प्योर वाटर के पास ए, उसके पी एच सेवन है तो उसके पास हाइड्रोजन की पावर कितनी है? तो देखो यहाँ पे तो इट मीन्स प्योर वाटर हैज़ एच प्लस कितना है वन इंटू टेन पावर माइनस सेवन मोल पर लीटर अब देखो बच्चों यहाँ पे दोनों वाटर मॉलिक्यूल है आपको पता है वाटर लिक्विड है वाटर आपका लिक्विड होता है तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनानी दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में ही बना होगा इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखे मॉल पर लीटर मैंने आपको बताया था बच्चों अगर दोनों सोल्यूट और सोलेंट आपके दोनों क्या होंगे लिक्विड होंगे तो वहाँ पे हम लोग यूनिट क्या लेंगे मोल पर लीटर अगर यहाँ पे कुछ और भी ऐड करते हैं हम लोग कोई सॉलिड पार्टिकल ऐड करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या लेते ग्राम पर लीटर लेते हैं ठीक है पी एस सेवन इंडिकेट्स अ न्यूट्रल सोल्यूशन पी एस सेवन का मतलब क्या हुआ जो अभी आपका सोल्यूशन है कैसा है न्यूट्रल है ना उसके ऊपर ना तो उसके पास एसिडिक करेक्टर है ना ही बेसिक करेक्टर है तभी बच्चों हम लोग उसको आसानी के साथ पी सकते हैं आपको पता है एसिडिक जो होता है बहुत ही डेंजरस होता है जैसे आपको मालूम है तेजाब तो एसिड का मतलब क्या होता है तेजाब जिसे हम लोग ईजिली अगर वो कॉन्सेंट्रेशन होगा तो बच्चों उसको हम लोग छू भी नहीं सकते ठीक है थीके? नहीं बोलता बहुत, बहुत ही डेंजरस होता है आ, तो ओके okay, तो एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस द कॉन्सनट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन इन वन मोलारोल्यूशन ऑफ एस सी एल इज़ वन इन टू टन पावर जीरो मोल पर लीटर अगर यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल आपको दिया गया है तो बच्चों यहाँ पे आप यहाँ पे एक आपके पास तो एक और सोल्यूशन है एस सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो उसमें हम लोग देखते हैं उसके पास कितना हाइड्रोजन है नहीं इसके पास कितनी पावर है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आय इन वन मोलार सोल्यूशन ऑफ एस सी एल इज़ वन इंटू टेनो सो पावर जीरो मोल पर लीटर तो वहाँ पे उसके पास वैल्यू कितनी है वन इंटू टेनो सो पावर जीरो मोल पर लीटर वाइल इन वन मोलार सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड सोल्यूशन अगर आप ये तो आपका एसिडिक हो गया ठीक है अगर बेसिक सोल्यूशन होगा तो देखो यहाँ पर वन इंटू टेनो सो पावर जीरो मतलब यहाँ पर उसकी वैल्यू किस में आ रही है वन में आ रही है कितने में आई बच्चों वन में आई ये इसलिए हमारा क्या है एसिडिक कैरेक्टर है अगर बेसिक कैरेक्टर जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए गया वन मोलार आर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस एन इज वन इंटू टेन पावर माइनस फोर्टीन मोल पर लीटर अब आपको पता है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है ठीक है तो यहाँ पे एक जनरल फिर से आपको पी एच ऑफ स्केल पी एच स्केल बनाई हुई बच्चों तो कुछ इस तरह होती है ठीक है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूनिवर्सल इंडिकेटर तो यूनिवर्सल इंडिकेटर की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स इन स्पेसिफ़िक प्रोपोर्शन विच गिव्स डिफ़रेंट कलर्स एट डिफरेंट पी एच वैल्यू ऑफ़ द पी एच स्केल तो बच्चों आपका जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है इंडिकेटर मतलब होता है बच्चों कलर इंडिकेटर मतलब क्या होता है किसी चीज़ का कलर जाहिर करना जैसे हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो कहीं हमको टर्निंग लेना होता है तो हम लोग बैक पे जो हमारी है उसको हम लोग चालू कर देते हैं या जला देते हैं ताकि पीछे वाली जो गाड़ी हो उनको मालूम पड़ जाए कि अब ये टर्न लेने वाले हैं इसलिए वो लाइट उन्होंने जला दिया तो वो एक इंडिकेटर नहीं एक इंडिकेट कर रही कि अब मैं यहाँ पर टर्निंग लेने वाला हूँ आप अपनी गाड़ी सिलो कर लो ठीक है तो इसलिए हम लोग इंडिकेटर का यूज़ करते हैं किसी भी कंपाउंड में कलर कलरिंग के लिए जैसे आप लोग डाइज लगाते हो बच्चों बाल पे कलर में डाइज लगाई जाती है वो भी क्या है इंडिकेटर एक तरह के ठीक है थीके? तो य, किस तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में हम लोग क्या करते हैं बच्चों डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर को ऐड करके एक नया इंडिकेटर बनाते हैं जिसका नाम होता है जिसका नाम क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो स्पेसिफिक प्रोपोर्सन में रखा जाता है ठीक है उसके आप लोग कंपोनेंट देख सकते हैं विच गिव्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पी एच वैल्यू तो बच्चों वो डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं डिफरेंट पोजिशन पे डिफरेंट वैल्यू पीएच पीएच वैल्यू पे डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाते हैं जैसे एसिडिक में उसका कलर एसिडिक में उसका कलर अलग होगा और बेसिक में उसका कलर अलग होगा मतलब अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू हाइड्रोजन की वन आई तो आपका क्या हो जाएगा वो एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा तो वहाँ पर उसकी वैल्यू अलग होगी और वो बेसिक में जाएगा तो उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स यहाँ पे हमारे पास नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स है जैसे यहाँ पे लिटमस है लिटमस पेपर जो आप लोग यूज़ करते हैं बच्चों ब्लू कलर का होता है और रेड कलर का होता है सेकंड है जामुन लेकिन उसका यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया तो यहाँ उसके बारे में छोड़ दो थर्ड आपका मिठाइल ऑरेंज और टर्मेरिक हम लोग जो घर में हल्दी यूज़ करते हैं वो भी हमारा क्या बच्चों इंडिकेटर है उससे हमारा जो जो दाल होती है उसका कलर चेंज होता है ठीक है जो हम लोग टर्मेरिक उसमें डालते हैं तो फर्स्ट आपका देखो तो एसिडिक्स सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन तो लिटमस पेपर जब आपका एसिडिक सोल्यूशन में होता है बच्चों तो कैसा होता है रेड होता है जैसे मैंने आपको पी जब पी पेपर आपको पढ़ा रहा था ना पी स्केल बता रहा था तो उसमें आपको मैंने बताया बच्चों जब आप जो आपका एसिडिक कैरेक्टर होते हैं वो ज़्यादातर कौन से कलर के होते हैं रेड कलर के होते हैं तो यहाँ पे देखो आपका लिटमस पेपर भी ए, उसका एसिडिक सॉल्यूशन का कौन सा कलर होता है रेड होता है और बेसिक में कौन सा कलर होता है ब्लू यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज है इसका स्टार्टिंग नहीं जब वो एसिडिक सोल्यूशन होगा तो कब होगा वो पिंक होगा और इसी तरह उसका बेसिक सोल्यूशन होता तो है उसका कलर क्या हो जाता है येल्लो कलर हो जाएगा थर्ड आपका है टर्मेरिक तो टर्मेरिक में एसिडिक सोल्यूशन उसका क्या होगा येल्लो और बेसिक सोल्यूशन क्या होगा रेड होगा ओके बच्चों तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ तक मैंने आपको बच्चों यूनिवर्सल इंडिकेटर मैंने एक्सप्लेन किया इसके आगे आपको बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बच्चों जितनी भी बेसिक चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं आपको अगर नहीं भी समझ में आएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा बच्चों तो आपके कमेंट किए हुए क्वेश्चन को मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा ठीक है आप लोग मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब करो लाइक करो कमेंट करो और अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि आपकी जो फ्रेंड है आपके जो सर्कल वाले फ्रेंड है जो ऐसे बच्चों को खास कर शेयर करो जो गरीब है जो किसी क्लास में नहीं जा, जा। तो बच्चों उसका भी फायदा हो जाएगा आपका भी फायदा हो जाएगा ओके बच्चों आई होप कि आप लोग मेरी हेल्प करोगे ओके बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ओके बाय